नमस्कार साथियों, नेट जेआरएफ एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री समृद्धि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अभी हम इस वीडियो को देख रहे हैं। श्री समृद्धि क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर किरण सिंह, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, डायरेक्टर श्री समृद्धि क्लासेस और मैनेजिंग डायरेक्टर अस्तित्व ग्रुप ऑफ एजुकेशन, आज फिर से आपके सामने आपके बीच में हूँ। क्यों हूँ? शिक्षण अभियोग्यता, इससे पहले हमने जो है एक वीडियो देखा था, आप सभी लोगों ने जो है एक वीडियो मेरा देखा था, शिक्षण अभियोग्यता टॉपिक का देखा था। अभी लास्ट वीडियो जो है वो अनुसंधान अभियोग्यता का हमने रिकॉर्ड किया था और उसके 10 प्रश्न जो है मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे करवाए हैं। तो अब अनुसंधान अभियोग्यता के आगे के और भी प्रश्नों के उत्तर उनकी व्याख्या के साथ मैं करवाने के लिए आज आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। थोड़ा सा एक क्विक जो है वो रिवीजन कर लेते हैं जो हमारे पहले के क्वेश्चंस थे। रिसर्च एप्टीट्यूड के पहला प्रश्न था, ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो किसी भी साहित्य में नहीं होते हैं, जब उन्हें खोजने का प्रयास किया जाता है तो उसे कहते हैं, उसे हम अनुसंधान कहते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न था हमारा, साक्ष्यों के आधार पर समस्याओं का विश्लेषण करके सुनियोजित तरीके से अनुसंधान के द्वारा समाधान निकाला जाता है, इस समाधान से क्या तात्पर्य होता है? तो इसका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा, मानव ज्ञान में वृद्धि। तीसरा प्रश्न हमारा था, शोध है तो शोध हमारा तार्किक और वस्तुनिष्ठ दोनों ही प्रक्रिया है, इसका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। चौथा है हमारा, शोध कार्य में सर्वाधिक आवश्यक है, इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, धैर्य। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, अनुसंधान की प्रक्रिया है, इनमें से चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, अनुसंधान की प्रक्रिया व्यवस्थित, वैज्ञानिक और सुनियोजित है। छठा क्वेश्चन हमारा था, अनुसंधान वैधानिक तथ्यों के लिए किसको प्रदर्शित करता है? तो अनुसंधान वैधानिक तथ्यों के लिए तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, विश्वसनीयता प्रदर्शित करता है। अगला सातवां नंबर क्वेश्चन है, शोध कार्यों में प्रतिपादित नियम तथा सिद्धांत होते हैं, इसका पहला ऑप्शन हमारा सही है, ये नियम और प्रतिपादन सामान्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान में किसे अहमियत नहीं दी जा सकती है? इसका ऑप्शन हमारा 3 नंबर करेक्ट है, व्यक्तिगत भावनाओं को और व्यक्तिगत विचारों को हम अनुसंधान में अहमियत नहीं देते हैं। नवा क्वेश्चन था हमारा, अनुसंधान के लक्ष्यों को जानने के लिए कौन से कारण निर्धारित किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन भी 3 नंबर करेक्ट है, बौद्धिक और व्यवहारिक, ये दोनों ही कारण जो है वो निर्धारित किए गए हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा था, मनुष्य के अंदर निहित जिज्ञासा तथा उसके कार्य करने की क्षमता अनुसंधान के लक्ष्य निर्धारण का कौन सा कारण है? तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो 1 जो है वो करेक्ट है, बौद्धिक कारण। ये 10 प्रश्न ऐसे थे जो ऑलरेडी इस वीडियो के जस्ट पहले वाले वीडियो में सॉल्व कराए जा चुके हैं। इसकी व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से की गई है, तो अगर आपको इनकी व्याख्या देखनी है तो आप उस वीडियो को भी जरूर की देखिए। आगे अब हम इन 10 प्रश्नों के बाद के जो प्रश्न हैं उन पे अभी हम चर्चा करेंगे कि ये प्रश्न क्या हैं, इनके उत्तर क्या होंगे और इनका व्याख्या क्या होगा। तो आइए हम चलते हैं 11वें नंबर के प्रश्न पे। ऐसा अनुसंधान जिसके निष्कर्षों के द्वारा किसी विशेष नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन होता है वो कहलाता है। मतलब ऐसा जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसका जो एक निष्कर्ष, जो कंक्लूजन निकलता है, उससे एक विशेष नियम या सिद्धांत प्रतिपादित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चूंकि हम एक नवीनतम जो है वो समस्या लेते हैं, उसके ऊपर हम कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद हम अनुसंधान के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं और उनसे हम उनके नियम और सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं जो कि हमारा मौलिक अनुसंधान कहलाता है।
तो इस वजह से जो एक नंबर ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, मूलभूत अनुसंधान, क्योंकि व्यवहारिक ये हो नहीं सकता। हम नियम और सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, तो हम उसकी मूल यानी कि उसकी जड़ को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने प्रतिपादन किया है आगे चल के उसी को लोग देखेंगे, उसी को पढ़ेंगे, उसी को समझेंगे और उसी के ऊपर पुनः रिसर्च का कार्य करेंगे। तो जो हमारा प्रतिपादन होगा वो क्या होगा, मूलभूत होगा। इसलिए मूलभूत अनुसंधान फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर फर्स्ट करेक्ट है तो सेकेंड थर्ड फोर्थ वैसे ही गलत हो गया। चलिए हम 12वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। अनुसंधानकर्ता के द्वारा क्रियात्मक समस्याओं का समाधान कहलाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, लेकिन कई लोग चूंकि ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है इस वजह से इसको गलत कर देते हैं। अनुसंधानकर्ता के द्वारा जब क्रियात्मक समस्याओं का समाधान हम करते हैं, तो चूंकि क्रियात्मक वे में हम उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हम हमेशा नई एनर्जी के साथ रहते हैं, एक्टिविटीज विभिन्न तरीके की एक्टिविटीज हम उसमें प्लान करते हैं और उसको हर तरीके से किसी भी लेवल पर हम उन तथ्यों के जो है वो विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के पश्चात हम बहुत सारी विधियों को उनके उपयोग में लेते हैं और अलग-अलग तथ्यों का अलग-अलग तरीके से कंक्लूजन निकालते हैं, उन सबको समग्र रूप से देखते हैं, देन अगेन समग्र रूप से करने के बाद उनको सिंक्रोनाइज करते हैं, यानी कि आप उनको क्रमिक करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमारा व्यवहारिक अनुसंधान जो है वो वर्क करता है। इस वजह से प्रश्न नंबर 12, अनुसंधानकर्ता के द्वारा क्रियात्मक समस्याओं का समाधान एक व्यवहारिक अनुसंधान कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर 2 ये करेक्ट होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुसंधान के प्रथम सोपान में अनुसंधान से संबंधित किस तथ्य पर कार्य किया जाता है? पहला हमारा ऑप्शन है आंकड़ों का संकलन। जब हम प्रथम सोपान में होते हैं, जब हम अनुसंधान का कार्य प्रारंभ करते हैं, तो कार्य के प्रारंभ में ही आंकड़ों का संकलन नहीं किया जाता है। आंकड़ों का संकलन हमारे तीसरे और चौथे सोपान की प्रक्रिया है। देन जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो आंकड़ों का व्यवस्थित क्रम रखना ये हमारा उसके बाद का क्रम होता है या उसके बाद की प्रक्रिया होती है। नियमों का प्रतिपादन, अगर हम चौथे नंबर ऑप्शन पे जाएं, तो नियम का प्रतिपादन हमारे अनुसंधान का सबसे अंतिम सोपान होता है। तो हमारा ये जो प्रश्न है, अनुसंधान के प्रथम सोपान में अनुसंधान से संबंधित किस तथ्य पर कार्य किया जाता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अनुसंधान कोई सा भी हम लोग जब शोध कार्य करने जाते हैं, तो सर्वप्रथम हमारा जो वर्क होता है वो होता है कि हम एक समस्या का चयन करें। जब समस्या हमारे पास आती है तभी हम उस पे आगे कार्य कर पाते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका 3 नंबर होगा, समस्या का चयन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। अनुसंधान में समस्या का चयन करने के लिए तथा उसे परिभाषित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नंबर 1 चरों की। ये जो नंबर 1 ऑप्शन है, चर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि चरों की आवश्यकता हमें समस्या के चयन के समय नहीं पड़ती है। जब हम समस्या चयन कर लेते हैं, जब हम अपने अनुसंधान को आगे क्रियान्वित करते हैं और उस क्रियान्वयन के लिए हमें जो है वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ती है, तो ये हमारी जो जो वेरिएबल्स की आवश्यकता है ये समस्या चयन करने में नहीं बल्कि चयन करने के बाद की क्रिया होती है। दूसरा ज्ञान की, तो ज्ञान की भी आवश्यकता हमें नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ज्ञान होता है तो ही हम समस्या का चयन करते हैं। तो करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसकी आवश्यकता जो है कैसे कैसे हम कर सकते हैं पूरे स्टेप्स को फॉलो करने के लिए होती है। क्रियाशीलता की, क्रियाशीलता भी अगेन जब हम समस्या का चयन कर लेते हैं तो उसको क्रियान्वित करने के लिए क्रियाशीलता की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन हमारा, चिंतन की आवश्यकता।
कभी भी जब हम समस्या का चयन करेंगे तो हमें सोचने विचारने की आवश्यकता होती है कि हम ऐसी समस्या का चयन करें जिन पर हम शोध कार्य कर सकें। अगर हमारी समस्या इस तरीके की नहीं हुई जिन पर किसी भी प्रकार का शोध कार्य किया जा सके, तो वो फिर समस्या हमारे लिए काम की नहीं है। इसलिए बहुत सोचने और विचारने की आवश्यकता होती है किसके लिए, समस्या का चयन करने के लिए। और जब हम उसका चयन कर लेते हैं तो उस समस्या के चयन को फिर हम एक परिभाषित रूप देते हैं, एक टैगलाइन देते हैं, जिसके लिए हमें बार बार सोचने और समझने की आवश्यकता होती है और उसमें चिंतन हमारा क्रियाशील होता है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा, अनुसंधान में समस्या का चयन करने के लिए तथा उसे परिभाषित करने के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। चलिए हम आगे 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अनुसंधान में समस्या को परिभाषित करने के पश्चात आवश्यक है। जब हम शोध का कार्य करते हैं और प्रथम सोपान पे हमारी समस्या ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है और जब हम उसको डिफाइन कर लेते हैं, जब हम उसका एक डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं, उसकी परिभाषा तैयार कर लेते हैं, उसके पश्चात हमें क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है हमारा आंकड़ों का संकलन। ये हमारा गलत ऑप्शन है क्योंकि आंकड़ों का संकलन हम लोग बहुत बाद में करते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा समस्या की परिकल्पना करना, ठीक है। तीसरा है सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करना। सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग अगेन आंकड़ों के संकलन के बाद की प्रक्रिया होती है। जब आंकड़े संकलित हो जाते हैं तो उनको व्यवस्थित या क्रमिक करने के लिए सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है समस्या का निष्कर्ष निकालना। जब सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके हम अपने आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, उनको क्रमबद्ध करते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं, तो उन व्यवस्थित क्रमिक आंकड़ों के द्वारा हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो आंकड़ों का संकलन करना, सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करना और समस्या का निष्कर्ष निकालना, ये हमारे अनुसंधान के सोपान के बाद के जो है ये तथ्य हैं। तो अनुसंधान में समस्या को परिभाषित करने के जस्ट पश्चात हम लोग जो हमारी परिभाषित समस्या है उसकी एक परिकल्पना तैयार करते हैं। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर होगा 2 नंबर, समस्या की परिकल्पना करना। चलिए आगे हम 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अनुसंधान में गणितीय तथा सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान में गणितीय तथा सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है कि क्यों किया जाता है। पहला नंबर है आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए। जब आप आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तो एकत्रित करने के पश्चात भी आप उसको बहुत क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रखते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए। दूसरा नंबर है हमारा पास है, जो दूसरा ऑप्शन है वो ये कहता है आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए। अब हमारे पास आंकड़े एकत्रित हो गए, हम उनको मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, हम किसी सामाजिक मुद्दे पर कोई शोध कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब सामाजिक मुद्दे पर हम विभिन्न प्रकार के जो है वो सामाजिक गतिविधियों की एनालिसिस कर रहे हैं। उन गतिविधियों में हमने मान लीजिए कुछ 5 से 7 सेक्शंस बनाए हुए हैं। जैसे सामाजिक गतिविधियों में हमने पूजा पाठ एक सेक्शन बनाया, देन उसके बाद मेले त्योहार एक सेक्शन बनाया, विवाह का प्रारूप एक सेक्शन बनाया, हमने अलग अलग भाषा बोलियों का एक सेक्शन बनाया, हमने खान पान का यानी कि व्यंजन इत्यादि का एक सेक्शन बनाया और हमने जो है विभिन्न प्रकार के त्योहारों का एक सेक्शन बनाया। तो अलग अलग हमने बहुत सारे सेक्शन बनाए। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, आंकड़ों को जब हम एकत्रित करते हैं तो हम एक साथ सारे एकत्रित कर लेते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो ये कहता है कि उनको व्यवस्थित करने के लिए। अब व्यवस्थित हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको अलग अलग सेक्शंस बताए, अब हमारे शादी ब्याह वाले ऑप्शंस
कितने आंकड़े इकट्ठे हुए, हम उनको उनके साथ व्यवस्थित करेंगे। हमारे त्योहारों से रिलेटेड कितने आंकड़े इकट्ठित हुए, हम उनको त्योहारों वाले में डालेंगे। हमारी भाषा बोली से रिलेटेड जो हमारे ऑप्शन एकत्रित हुए, हम उनको उसमें डालेंगे। तो यस, आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए भी हमें सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करना होता है, गणितीय विधियों का भी प्रयोग करना होता है। तीसरा ऑप्शन आइए, आंकड़ों को क्रमबद्ध करने के लिए। अब मान लीजिए आपने बहुत सारे जो है अपने फोल्डर्स बना रखे हैं, या बहुत सारे आपने, जैसे मैंने अभी डिफाइन किया कि अलग अलग आपने जो है पर्टिकुलरली जो है कार्यों के अनुरूप अलग अलग क्रमिक जो है आपने विभिन्न प्रकार के कोई फोल्डर बना लिए, या कुछ अलग से जो है फाइल बना लिया। अब उन फाइलों के अंदर हमने व्यवस्थित तो कर दिया आंकड़ों को, लेकिन उन व्यवस्थित आंकड़ों को भी जब हम क्रमबद्ध रूप से रखते हैं, यानी कि या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए या फिर उनका असेंडिंग ऑर्डर कीजिए, उनको भी उस प्रकार क्रमबद्ध करने के लिए आपको गणितीय तथा सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करना होता है। इसलिए प्रश्न नंबर 16 जो ये कहता है कि अनुसंधान में गणितीय तथा सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 4, इनमें से सभी, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। 17 नंबर प्रश्न पे हम आते हैं। अनुसंधान के लिए यदि कोई भी समस्या के प्रति प्रकृति इतिहास से जुड़ी हो, बहुत सीधा सीधा प्रश्न है ये, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा। शायद मेरे बोलने से पहले आपके जहन में इसका करेक्ट आंसर आ गया होगा। तो अनुसंधान के लिए यदि कोई भी समस्या हम प्राकृतिक इतिहास से लेते हैं, तो वह हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 18वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शोध कार्यों के लिए प्रयोग में ली जाने वाली सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? जो अभी प्रेजेंटली हम लोगों का जो ट्रेंड चल रहा है, एजुकेशन का जो सिस्टम चल रहा है, उसमें जितने भी रिसर्च कार्य किए जा रहे हैं, उनमें हम कौन कौन सी विधियों को प्रयोग में ले रहे हैं? तो पहला है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। यस, बिल्कुल, हम हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड जो है हम बिल्कुल प्रयोग में ले रहे हैं, क्योंकि पास्ट को बेस बना करके प्रेजेंट में हम अपना अनुसंधान का कार्य करते हैं, जिससे हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर होता है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि हम प्रयोग में लेते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान विधि, बिल्कुल हम इसको भी प्रयोग में लेते हैं, क्योंकि हम अलग अलग तथ्यों का अलग अलग विश्लेषण करते हैं, हम उसके बहुत सारे प्रतिरूप तैयार करते हैं, हम बहुत सारे आंकड़ों को संकलित करते हैं, हम उनको एक्सप्लोर करते हैं, हम उनको कट शॉर्ट करते हैं, बहुत सारे तरीके से हम उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हमारी वर्णनात्मक अनुसंधान विधि भी है। तीसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि। ये तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुसंधान या रिसर्च का जितना भी कार्य किया जाता है, अगर आप उसको प्रायोगिक रूप से, व्यवहारिक रूप से नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आप अपनी सफलता की कामना नहीं कर सकते हैं। तो हमारी ये तीनों विधियां प्रयोग में आती हैं। तो 4 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इनमें से सभी सत्य हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शोध कार्यों के लिए प्रयोग में ली जाने वाली सर्वाधिक प्रचलित विधि, हमारी ये तीनों विधियां हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, वर्णात्मक अनुसंधान विधि और प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारा ये कहता है, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में भूतकाल की प्राकृतिक समस्याओं को शामिल किया जाता है? ये भी बहुत ही बेहतरीन और डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में भूतकाल की प्राकृतिक समस्याओं को शामिल किया जाता है? अगर हम अपने पहले के प्रश्नों का एनालिसिस करें, तो क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ऑलरेडी हम प्रश्न संख्या 17 में दे चुके हैं।
निम्नलिखित में से अनुसंधान में से भूतकाल की प्राकृतिक समस्याओं को शामिल किया जाता है? किसमें? ऐतिहासिक अनुसंधान में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, किन परिस्थितियों में, किन व्यक्तियों के ऊपर, किन कारणों से किसी भी व्यक्ति ने अपना व्यवहार प्रदर्शित किया है जिसका प्रभाव उस व्यक्ति के परिवार तथा समाज पर क्या होगा? जब हम यह जानने के लिए अनुसंधान का प्रयोग करते हैं तो इस तरीके के ऑप्शन या इस तरीके के प्रश्न का उत्तर हम अनुसंधान की कौन सी विधि का प्रयोग करके करते हैं? तो चूंकि एक व्यक्ति है जिसका व्यवहार ऑलरेडी जो है वो प्रदर्शित हो चुका है, हम उसका उसके पूरे डिफरेंट डिफरेंट जितने भी सिचुएशंस हैं हम उनको एनालिसिस कर रहे हैं। आप प्रश्न को देखिए, किन परिस्थितियों में, यानी कि कौन सी स्थिति उसकी रही थी जिसमें उसने इस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित किया, किन व्यक्तियों के ऊपर, उस व्यक्ति से एसोसिएटेड जो व्यक्ति थे किनके ऊपर उसने इस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित किया, किन कारणों से, ऐसे क्या कारण थे। तो जब हम थे की बात करते हैं और उस थे से जब हम ये खोजने का प्रयास करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद उस व्यक्ति के परिवार और समाज पर इसका क्या प्रभाव होगा, तो ये जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो हम इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट को, यानी कि भूतकाल की घटना को हम भविष्य जानने के लिए प्रयोग में ले रहे हैं, इसलिए ऐतिहासिक अनुसंधान विधि इसका सही उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न पे हम आते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का व्यवस्थित पद या सोपान है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हर ऑप्शंस के अंदर तीन तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनका हम विश्लेषण करते हैं। नंबर 1 है सूचनाओं का संकलन, नंबर 2 है विश्लेषण के पश्चात प्रतिवेदन और सूचनाओं का विश्लेषण। तो ये तीन जो है वो ऑप्शंस हमारे को दिख रहे हैं। नंबर 2 में है सूचनाओं का संकलन, उसका विश्लेषण, विश्लेषण के बाद प्रतिवेदन। तीसरे में है सूचनाओं का विश्लेषण, सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण के पश्चात प्रतिवेदन। नंबर 4 में है सूचनाओं का विश्लेषण, विश्लेषण के पश्चात प्रतिवेदन और सूचनाओं का संकलन। तो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का व्यवस्थित पद या सोपान हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि सबसे पहले हम सूचनाओं को संकलित करते हैं, हम उनको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके हम उनको व्यवस्थित करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सूचनाओं को संकलित कर रहे हैं। देन जो हमारे पास संकलित आंकड़े, सूचना या डेटाज हमारे पास हैं, उनका हम विश्लेषण करते हैं, उनका हम एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद जो हमारा विश्लेषण है, विश्लेषण के पश्चात हम उसका प्रतिवेदन, यानी कि उस समस्या, जो समस्या के अकॉर्डिंग हम सूचना ले रहे हैं, उन सूचनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण के पश्चात हम अपना एक प्रतिवेदन, जिसको हम रिपोर्ट बोलते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का व्यवस्थित सोपान हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। पहले हम संकलन करेंगे, फिर हम विश्लेषण करेंगे और उसके बाद हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। वर्णात्मक अनुसंधान किसी भी प्राकृतिक समस्या का डैश 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 करता है। वर्णात्मक अनुसंधान किसी भी प्राकृतिक समस्या का क्या करता है? तो नंबर 1 है वर्णन। यस, ऑफ कोर्स, वर्णात्मक, आप देख लीजिए ऑप्शन ही लिखा हुआ है वर्णात्मक। वर्णात्मक से तात्पर्य ये होता है कि बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में तोड़ तोड़ कर चीजों का अध्ययन करना। विश्लेषण की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली जब हम तोड़ तोड़ के डिटेल में किसी भी तथ्य का अध्ययन करते हैं तो हम उस तथ्य के सार में, तथ्य के सूक्ष्म क्षेत्रों में, बहुत सारी जगहों पे हम उनको जो है वो आंकलित करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो सी थर्ड ऑप्शन है, 1 तथा 2 दोनों सही। हम वर्णन भी करते हैं, हम विश्लेषण भी करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर 3 नंबर होगा,
फर्स्ट तथा सेकंड दोनों हमारे क्या हैं, करेक्ट है। वर्णात्मक अनुसंधान किसी भी प्राकृतिक समस्या का वर्णन भी करता है और विश्लेषण भी करता है। प्रश्न नंबर 23 पे हम आते हैं। वर्णात्मक अनुसंधान का सीधा सीधा संबंध होता है, जब हम वर्णात्मक अनुसंधान अपने शोध के लिए प्रयोग में ले रहे हैं तो इसका सीधा सीधा संबंध किससे होगा? अनुसंधानकर्ता के आत्मविश्वास से। बिल्कुल, जो शोध करता है अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम उस अनुसंधान को वर्णित नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा, अनुसंधानकर्ता की विचारधारा से। अगर अनुसंधानकर्ता की विचारधारा इस शोध कार्य के लिए, देखिए अभी हमने पहले ही एक प्रश्न में ये पूछा था कि अनुसंधान में क्या नहीं होना चाहिए या किसे अहमियत नहीं देना चाहिए, वहां पे एक शब्द आया था अनुसंधानकर्ता की समस्याओं का, सॉरी समस्याओं का नहीं, मैं आपको बताती हूँ, अनुसंधान की व्यक्तिगत भावनाओं का और अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत विचारधारा का। तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। हम यहाँ पे जो हमारा पहले का प्रश्न था उसमें हम अनुसंधान के व्यक्तिगत विचारधारा और व्यक्तिगत भावना की बात कर रहे थे, जबकि इस प्रश्न में हम अनुसंधानकर्ता की विचारधारा के लिए बात करते हैं, वो विचारधारा जो शोध के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो अनुसंधानकर्ता की विचारधारा अनुसंधान के लिए आवश्यक होती है, जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे वर्णात्मक अनुसंधान से होता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, अनुसंधानकर्ता के द्वारा चुनी गई समस्या के प्रति उसकी प्रतिक्रिया से। ऑब्वियसली आज मैंने कोई भी एक समस्या उठाई, उस समस्या के लिए अगर मैं केवल नेगेटिव हूँ, अगर मैं नकारात्मक तथ्यों का प्रयोग कर रही हूँ तो उसका प्रभाव मेरे शोध कार्य पर पड़ेगा। यदि मैं प्रतिक्रिया केवल और केवल पॉजिटिव या सकारात्मक लेके चल रही हूँ तो मैं अपने शोध कार्य के डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि इनमें कोई लिमिटेशन या इसमें कोई कमी रही है। तो अनुसंधान के द्वारा जो समस्या चुनी जाती है उस समस्या के प्रति उसकी प्रतिक्रिया भी आवश्यक होती है, इसलिए वर्णात्मक अनुसंधान का सीधा सीधा संबंध हम अनुसंधानकर्ता के द्वारा आत्मविश्वास, उसकी विचारधारा और समस्या के प्रति उसकी प्रतिक्रिया, ये तीनों से ही होती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन हमारा 4 नंबर होगा, इनमें से सभी सत्य हैं। इस क्वेश्चन को टाइप करते समय स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, अनुसंधान का सीधा सीध लिखा हुआ है, तो कृपया आप इसको इग्नोर करें। इस वीडियो को देखते समय अगर आपने हाईलाइट किया है इसको कि स्पेलिंग मिस्टेक था, दूर दूर तक आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने अभी के अभी आइडेंटिफाई कर लिया है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 हमारा ये कहता है, वर्णात्मक अनुसंधान के लिए किस प्रकार का नियोजन आवश्यक होता है? जब हम वर्णात्मक अनुसंधान करते हैं तो हम उसे किस प्रकार से नियोजित करते हैं? क्योंकि वर्णात्मक अनुसंधान, मैंने पहले भी आपको बोला है, वर्णित होता है, अच्छे लेवल पे होता है और छोटे छोटे लेवल पे भी होता है, बड़े बड़े लेवल पे भी होता है, हम अलग अलग विधियों का उनमें प्रयोग करते हैं। तो इसके जो नियोजन का प्रकार होता है वो क्या होता है? ए, जो हमारा फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन आया, विशिष्ट प्रकार, करेक्ट है। बिल्कुल, जिस तरीके का हमारा जो है वो अनुसंधान की विधि होगी, जिस प्रकार के हमारे आंकड़े होंगे, उनके नियोजन करने का हमारा प्रकार भी क्या होगा? विशिष्ट होगा। और दूसरा है हमारा काल्पनिक प्रकार। ऑब्वियसली हम पहले से भी कल्पना करते हैं, कल्पना शक्ति हमारी अति तीव्र होती है इसमें। जब हम विशिष्ट प्रकार के नियोजन प्रयोग में लेते हैं तो काल्पनिक तौर पे हम बहुत सारे ऐसे और भी विधियों का, ऐसे और भी मेथड्स को प्रयोग में लेते हैं जिनसे हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारा कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो। तो वर्णात्मक अनुसंधान के लिए जो नियोजन हमारा आवश्यक होता है वो ये दोनों तरीके का आवश्यक होता है, विशिष्ट और काल्पनिक, ये दोनों प्रकार हमारे करेक्ट हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा, 1 तथा 2 दोनों करेक्ट हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न पे आते हैं।
25 नंबर प्रश्न हमारा ये कहता है वर्णात्मक अनुसंधान होता है। वर्णात्मक अनुसंधान क्या होता है? गुणात्मक होता है। यस, गुणात्मक इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग बिल्कुल किसी एक समस्या को जो आइडेंटिफाई करते हैं, जब उसको परिभाषित कर लेते हैं, तो हम उस समस्या से रिलेटेड ही तथ्यों पे काम करते हैं। तो ये हमारा गुण हो गया। जब समस्या ऑलरेडी हमने डिफाइन कर ली है, तो जब हम उसी पे कार्य करते हैं, तो ये हम एक गुण को पकड़ करके हम उस पे जो है आगे का कार्य करते हैं, हम अपने शोध को जो है वो क्रियान्वित करते हैं। तो हमारा वर्णात्मक अनुसंधान क्या है? गुणात्मक है। और जो हमने गुण चुना है, हम जब उसी गुण के ऊपर केवल कार्य करना प्रारंभ करते हैं, तो हमारा जो अनुसंधान होता है वो मात्रात्मक भी होता है। जब हम एक ही गुण को चुन लेते हैं और गुण को चुनने के बाद जब हम उस पे कार्य कर रहे हैं, तो हम केवल उसी डायरेक्शन में कार्य करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने अभी एक प्रश्न में आपको एग्जाम्पल दिया था कि हम किसी सामाजिक मुद्दे पे जो है वो शोध कार्य करें। अब एक सामाजिक मुद्दा जब हम उठाते हैं, सामाजिक मुद्दा जब एक टॉपिक लेते हैं शोध कार्य के लिए, तो ये हमने एक गुणात्मक अनुसंधान जो है वो अपना कार्य कर अनुसंधान करने के लिए ठाना है। हमने एक गुण को उठाया, सामाजिक मुद्दा इज अ गुण। हमने एक गुण को उठाया, एक क्वालिटी को उठाया है, जिसके लिए अब हम जो शोध कार्य करेंगे, हम सामाजिक मुद्दे पर, हम किसी सामाजिक टॉपिक पर समस्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं, तो हम इसमें पॉलिटिक्स में या अर्थ में, इस तरीके की चीजें में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, जब हम सामाजिक मुद्दे में आ रहे हैं, तो सामाजिक मुद्दे के अंदर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन की बात नहीं करेंगे, हम लोग भूकंप सुनामी की बात नहीं करेंगे, हम लोग इस तरीके के कोई भी टॉपिक उनसे रिलेटेड जो नहीं है, हम उन चीजों को नहीं उठाएंगे। जब सामाजिक मुद्दा हमने उठाया है, तो हम समाज की बातें करेंगे, संस्कार की बातें करेंगे, हम परिवार की बातें करेंगे, हम परिवार के अंदर शिक्षा की बात करेंगे, हम व्यवहार की बात करेंगे। तो जब इस तरीके के हम लोग शोध कार्यों में टॉपिक्स जब लेना चालू करेंगे, तो हम क्या हो गए? क्वालिटी क्वांटिटेटिव हो गए, हम मात्रात्मक हो गए। तो वर्णात्मक अनुसंधान हमारा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। यह क्वेश्चन 25 नंबर का जो प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन हमारा 3 नंबर होगा। 1 तथा 2 दोनों हमारे सही हैं। अगला प्रश्न हमारा है 26 नंबर। अनुसंधान में सूक्ष्म समस्याओं का विश्लेषण अनुसंधान की किस विधि के द्वारा संभव हो पाता है? जब हम अनुसंधान करते हैं, तो उनकी सूक्ष्म समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण जब हम करते हैं, तो सूक्ष्म समस्याएं जहाँ पे हम छाट में छाटते हैं और उनको बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से विश्लेषित हम करते हैं, ये एक डायरेक्ट प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न है और फैक्ट बेसिस प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि में जब हम प्रयोग करने लगते हैं, तो अलग अलग समस्याओं के अलग अलग रिजल्ट हमारे पास आते हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आते हैं, हम उनका बिल्कुल डीप जो है एनालिसिस करना चालू करते हैं, सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहते हैं। तो जब हम सूक्ष्म समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, तो उसके लिए हम प्रयोगात्मक विधि को प्रयोग में लेते हैं। अगले प्रश्न में हम आते हैं, प्रश्न नंबर 27। अनुसंधान की किस विधि में चरों की यानी कि वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है? तो ये प्रश्न भी हमारा बहुत इजी प्रश्न है। ऐतिहासिक विधि में बिल्कुल भी हम चरों की आवश्यकता नहीं लेते हैं, चरों को हम शामिल नहीं करते हैं। वर्णात्मक में भी हमें आवश्यक नहीं होता है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में अगर हमारे पास चर नहीं है, तो हम प्रयोगात्मक विधि से अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। प्रयोगात्मक विधि की पहली जो सीढ़ी है या पहला जो एक शर्त है, वो यही होता है कि यह किसी चर पे प्रयोग में ली जाए या किसी वेरिएबल पे प्रयोग में ली जाए। तो प्रयोगात्मक विधि में हमें चरों की या वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, 28 नंबर पे। नियंत्रित दशाओं में किया गया निरीक्षण क्या कहलाता है? जब सिचुएशंस हमारी जो है वो बिल्कुल भी हमारे नियंत्रण में होती हैं, हमारे अकॉर्डिंग होती हैं, तो उस समय का जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहलाता है? सर्वेक्षण पहला ऑप्शन है। तो सर्वेक्षण जो है ऑलरेडी हम
किसी पर्टिकुलर डेटा को इकट्ठा करने के लिए या किसी तथ्य के लिए या शोध कार्यों के लिए हम कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, सर्वेक्षण हम सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। दूसरा है संकलन, संकलन हम एक कलेक्शन कर रहे हैं, तो कलेक्शन जो हम करते हैं उसके लिए भी जो दशाएं होती हैं वो नियंत्रित नहीं होती हैं, तो उनका निरीक्षण हम वहां पे भी नहीं कर रहे हैं। जबकि जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग कभी भी जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल हमारी एक नियंत्रित दशा होती है, यानी कि हमें सिचुएशन पता होती है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिकल करते हैं जो हमेशा ऑब्जर्व होता है। कभी भी प्रैक्टिकल हम लोग जब भी प्रयोग करते हैं तो हमें उसकी कल्पना पहले से करनी होती है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, उसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, या तो हमने कहीं से उसको पढ़ रखा होता है या हम अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा प्रयोग का कार्य करते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 जो प्रश्न है, नियंत्रित दशाओं में किया गया निरीक्षण प्रयोग कहलाता है, इसका 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं, व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लेकर किया जाने वाला अनुसंधान क्या होता है। जब हम किसी व्यक्ति के अनुभवों को अनुसंधान के अंदर शामिल करते हैं तो ये हमारा कुछ भी नहीं होता है बेटा, ये हमारा गुणात्मक अनुसंधान होता है, हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी होती है जो हमारे गुणों को प्रयोग में लेकर के, हमारे व्यक्तिगत गुणों को प्रयोग में लेकर के की जाती हैं। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं, यह प्रश्न हमारे इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है जो ये कहता है, वह अनुसंधान जिसमें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मात्राओं का आधार होता है परंतु उसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, ठीक है, सार्वजनिक रूप से तो उसमें मात्राएं उपलब्ध हैं लेकिन हम उसमें जो मात्राएं हमारे पास उपलब्ध हो चुकी हैं हम उसमें किसी भी तरीके से अपना पर्सनल इंटरफेरेंस नहीं डाल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक में बिल्कुल हम व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हम उस समस्या को छांट सकते हैं। गुणात्मक, गुणात्मक जो है हम लोग उसमें नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि गुणात्मक हमारा बहुत बड़े स्केल पे हमारे अपनी क्वालिटी के ऊपर होता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान जो ऑलरेडी हम लोग क्रियात्मक वे में करते हैं, और लास्ट हमारा 4th ऑप्शन है मात्रात्मक अनुसंधान, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, वह अनुसंधान जिसमें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मात्राओं को का आधार तो होता है परंतु उसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, उसे हम मात्रात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो पहले के 10 प्रश्न और आज के 20 प्रश्न मिला करके अनुसंधान अभियोग्यता के 30 प्रश्नों का उत्तर उनकी व्याख्या के साथ हमने अभी किया। अब ये जो व्याख्या है इनको सॉल्व करने के पश्चात आप जो है इन प्रश्नों को भी अगर चाहें तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इनके पीडीएफ एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा दूंगी। जो भी बच्चे 2 दिसंबर के अपने नेट के प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं वो बच्चे इसको जरूर देखें, और इस तरीके के प्रश्न आगे भी जो है हम लोग नेट के फर्स्ट पेपर पे भी काम करते रहेंगे। और जो बच्चे इससे संबंधित नहीं हैं, जो नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो भी इसको देखिए, ये आपके काम ही आएगा। कभी भी जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन के बाद ऐसा नहीं है कि आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी डिग्री डिप्लोमा तक ही आप सीमित रहिए, आप आगे चल के हायर एजुकेशन के लिए नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर इन सबको देखते हैं, तो इस तरीके के प्रश्नों का सॉल्व करना आपके लिए जरूरी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, इनको मैंने सॉल्व करा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि एक क्विकली रिवीजन हम लोग लेते हैं इन 30 प्रश्नों का उसके ऑप्शंस के साथ। आइए हम क्विकली रिवीजन लेते हैं, हम इसको बैक साइड से चलते हैं, लास्ट प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा 30वां प्रश्न था, वह अनुसंधान जिसमें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मात्राओं का आधार होता है परंतु उसमें व्यवस्थित रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, मात्रात्मक अनुसंधान। व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लेकर किया जाने वाला अनुसंधान होता है, तीसरा नंबर है गुणात्मक अनुसंधान। नियंत्रित दशाओं में किया गया निरीक्षण कहलाता है,
तीसरा नंबर है प्रयोग। अनुसंधान की किस विधि में चरों यानी कि वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है? तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि। अनुसंधान में सूक्ष्म समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण अनुसंधान की किस विधि के द्वारा संभव हो पाता है? प्रयोगात्मक विधि, तीसरा ऑप्शन। वर्णात्मक अनुसंधान होता है गुणात्मक और मात्रात्मक यानी कि एक तथा दो दोनों, तीसरा ऑप्शन। वर्णात्मक अनुसंधान के लिए किस प्रकार का नियोजन आवश्यक होता है? विशिष्ट और काल्पनिक दोनों होता है, तो तीसरा ऑप्शन एक तथा दो दोनों सही है। वर्णात्मक अनुसंधान का सीधा सीधा संबंध होता है, चौथा ऑप्शन सही है इनमें से सभी से। वर्णात्मक अनुसंधान किसी भी प्राकृतिक समस्या का क्या करता है? 22 नंबर प्रश्न है हमारा, तो इसका सही ऑप्शन है एक तथा दो दोनों यानी कि विश्लेषण और वर्णन दोनों करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का व्यवस्थित क्रम हमारा है दूसरा ऑप्शन, सूचनाओं का संकलन करना, सूचनाओं का विश्लेषण करना और उसके बाद रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन तैयार करना। किन परिस्थितियों में, किन व्यक्तियों के ऊपर, किन कारणों से किसी भी व्यक्ति ने अपना व्यवहार प्रदर्शित किया है जिसका प्रभाव उस व्यक्ति के परिवार तथा समाज पर क्या होगा, यह जानने के लिए अनुसंधान की कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ऐतिहासिक अनुसंधान। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में भूतकाल की प्राकृतिक समस्याओं को शामिल किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर, ऐतिहासिक अनुसंधान। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शोध कार्यों के लिए प्रयोग में ली जाने वाली सर्वाधिक प्रचलित विधि हमारी ये तीनों विधियां हैं, तो फोर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अनुसंधान के लिए यदि कोई भी समस्या की प्रति इतिहास से जुड़ी हो तो वह कहलाती है फर्स्ट नंबर, ऐतिहासिक अनुसंधान। अनुसंधान में गणितीय तथा सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है इनमें से सभी यानी कि फोर ऑप्शन करेक्ट होगा, आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए और उनको क्रमबद्ध करने के लिए। अनुसंधान में समस्या को परिभाषित करने के पश्चात क्या आवश्यक होता है? दो नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, उस समस्या की हमें परिकल्पना करना होता है। अनुसंधान में समस्या का चयन करने के लिए तथा उसे परिभाषित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका फोर ऑप्शन करेक्ट होगा, चिंतन की आवश्यकता होती है। अनुसंधान के प्रथम सोपान में अनुसंधान से संबंधित किस तथ्य पर कार्य किया जाता है? अनुसंधान के प्रथम सोपान पर हम तीन नंबर ऑप्शन को सही मानेंगे, समस्या का हम सबसे पहले क्या करते हैं, चयन करते हैं। अनुसंधानकर्ता के द्वारा क्रियात्मक समस्याओं का समाधान कहलाता है, दो नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, व्यवहारिक अनुसंधान। ऐसा अनुसंधान जिसके निष्कर्षों के द्वारा किसी विशेष नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, उसे हम मूलभूत सिद्धांत कहते हैं। मनुष्य के अंदर निहित जिज्ञासा तथा उसके कार्य करने की क्षमता अनुसंधान के लक्ष्य निर्धारण का कौन सा कारण है? तो बौद्धिक कारण है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अनुसंधान के लक्ष्यों को जानने के लिए कौन से कारण निर्धारित किए गए हैं? तो थ्री ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, एक तथा दो दोनों ही यानी कि बौद्धिक और व्यवहारिक दोनों ही कारण निर्धारित किए गए हैं। अनुसंधान में किसे अहमियत नहीं दी जा सकती है? तो तीन नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है, व्यक्तिगत भावनाओं और व्यक्तिगत विचारों यानी कि एक तथा दो दोनों ही सही है, इन दोनों को हम अहमियत नहीं देते हैं। शोध कार्यों में प्रतिपादित नियम तथा सिद्धांत होते हैं, फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट है, सामान्य होते हैं। अनुसंधान वैधानिक तथ्यों के लिए क्या प्रदर्शित करता है? थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट है, विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है। अनुसंधान की प्रक्रिया है क्या है? सभी सही है इनमें, व्यवस्थित, वैज्ञानिक और सुनियोजित है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट है इसका। शोध कार्य में सर्वाधिक आवश्यक है पूंजी, शोध कार्यों में आवश्यक है, ओके, पूंजी ये स्थान है, सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा स्थान है जो करेक्ट नहीं लिखा हुआ है इसमें, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, धैर्य की आवश्यकता होती है।
शोध है, शोध क्या है, तार्किक प्रक्रिया, वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया, ये दोनों ही है, तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। साक्ष्यों के आधार पर समस्याओं का विश्लेषण करके सुनियोजित तरीके से अनुसंधान के द्वारा समाधान निकाला जाता है। इस समाधान से तात्पर्य होता है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मानव के ज्ञान में वृद्धि करना। और हमारा फर्स्ट नंबर जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो किसी भी साहित्य में नहीं होते हैं, जब उन्हें हम खोजने का प्रयास करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। तो ये हमारे पूरे के पूरे अनुसंधान अभिक्षमता यानी कि रिसर्च मेथडोलॉजी के 30 क्वेश्चन आपके पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व हो गए। मैं डॉक्टर किरण सिंह, डायरेक्टर श्री समृद्धि क्लासेस और मैनेजिंग डायरेक्टर अस्तित्व ग्रुप ऑफ एजुकेशन, आप सभी को धन्यवाद देती हूँ जो आपने इतने अच्छे तरीके से देखा, इसको एनालिसिस किया। आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को और अगर चाहते हैं तो लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आप बेल आइकन जो है वो बटन दबाना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो आपके सामने लाते हैं आपको वो वीडियो तुरंत के तुरंत मिले। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे लोग क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए या पढ़ाते हुए मुझे पहली बार देख रहे होंगे, तो मैं आप लोगों से एक रिव्यू जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर मुझे बताइए, क्योंकि सजेशंस के बिना किसी भी तरीके का कार्य करना संभव नहीं हो पाता है। तो आपके सजेशंस, आप लोगों को पहले भी पता है कि आप लोगों के सजेशंस सदैव मैंने वेलकम किया है, उनका स्वागत किया है, तो अभी भी आप सजेशंस जरूर दीजिए। अपने जो भी कमेंट्स आपके हैं वो जरूर सामने रखिए, अच्छे बुरे जो भी हैं उनको पॉजिटिवली, आप लोगों को पता है हम एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते रहेंगे। अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ बने रहें। जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उनको शेयर कीजिए जिनको इनकी आवश्यकता है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे आपके साथी, ऐसे आपके मित्र, ऐसे स्टूडेंट्स जो आपके साथ नेट जेआरएफ या टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे शोध अभियोग्यता या रिसर्च मेथडोलॉजी की आवश्यकता होती है, उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।